हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्र। आज की डिस्कशन है हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो आप सब जिस तरह से पंजाब के एग्जाम्स भरते हैं, PSSSB के एग्जाम्स या आप PPSC के एग्जाम्स, या फिर आप में से कईयों ने बैंकिंग के फॉर्म भी फिल किए होंगे, तो इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म भी भरते हैं, और उसमें जो आपकी रीजनिंग आती है क्या वो बैंकिंग जैसी है या क्या वो पंजाब एग्जाम्स जैसी है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, आसान है, मुश्किल है, कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स को फिल कर रहे हैं, जैसे कि CGL या CHSL या MTS या CDS, अगर आप इन एग्जाम्स को भी भर रहे हैं, तो उसमें आपने रीजनिंग का सब्जेक्ट किस तरह से करना है, उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो कैसा होता है, तो देखिए आपका डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें वो होता है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आपका पेपर मुश्किल, रीजनिंग का सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल नहीं होता SSC के एग्जाम में। तो अगर आप एक तरह से मैं बोलूं कि पंजाब एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी SSC एग्जाम्स की रीजनिंग भी कवर हो जाती है। पर अगर आप सोचो कि बैंकिंग से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो बैंकिंग का लेवल बहुत ज्यादा होता है। चैप्टर्स का भी फर्क है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप बैंकिंग की तैयारी में नहीं प्रिपेयर करते हो पर SSC में आते हैं, पर जो चैप्टर दोनों में कॉमन है उसमें फिर लेवल का फर्क आ जाता है कि बैंकिंग में अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं और SSC में अलग लेवल के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि SSC एग्जाम्स का लेवल किससे मैच करता है, तो वो आपका पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम से ज्यादा मैच करता है, बैंकिंग के लेवल से मैच नहीं करता। क्योंकि आपके पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी जो लेवल होता है इजी टू मॉडरेट होता है, वही चैप्टर्स आते हैं जो आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रीजनिंग में आपको मिलेंगे। तो इसीलिए पेपर क्या डिफिकल्ट होता है, नहीं, मतलब रीजनिंग का एग्जाम जो होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते। पर एक बात है कि अगर आप सोचो कि बिना तैयारी करे हम चले जाएं, तो फिर तो देखो मुश्किल ही लगेगा। तैयारी अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो पेपर में आप 100% अटेम्प्ट बहुत आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। तो देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें देखो पहले तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आपके SSC के एग्जाम में 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें कि आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, रैंकिंग, सिलॉगिज्म, क्लॉक का सवाल आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, वेन डायग्राम, फिर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें कि आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग द फिगर, ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड वन आउट और अरिथमेटिकल रीजनिंग। देखिए नाम देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है, देखो ज्यादा नहीं है, सिर्फ गिनती में अगर हम देखें तो आपके SSC के सिलेबस में रीजनिंग के टॉपिक्स जो है वो ज्यादा हैं, बिल्कुल हैं, बट हर चैप्टर में वही बात है कि एक या दो ट्रिक है, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए मतलब वैसे ओवरऑल अगर आप देखते हो कि आपको जो तैयारी करनी है तो रीजनिंग को ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, पर आप गिनती में देखते हो तो चैप्टर जरूर आपके SSC की रीजनिंग के ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपका है सिलेबस। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, देखो एनालॉगी
और ऑड वन आउट का सवाल तो बहुत ज्यादा आता है आपके एसएससी के एग्जाम्स में, एनालॉगी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और एल्फाबेट्स। इसके सवाल तो देखो सबसे ज्यादा रहते हैं, मतलब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें एक ही चैप्टर के तीन तीन चार चार और कई बार पांच पांच सवाल होंगे, तो इसीलिए ये वाले चैप्टर्स जो हैं आपके ओवरऑल अगर हम सिलेबस में देखें, बाकी सब भी आना है क्योंकि आपका क्या होता है अलग अलग स्लॉट में पेपर होता है, तो किसी स्लॉट में कोई चैप्टर आ रहा है, किसी स्लॉट में कोई चैप्टर आ रहा है, ऐसा रहता है ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इन चैप्टर्स की, ये आपको हर स्लॉट में मिलेंगे, और इसके अलावा एक आपका डायरेक्शंस भी होता है और ब्लड रिलेशन भी। इनके सवाल तो आपको मतलब जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे ना, ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन आपको हर स्लॉट में मिलेगा, बाकी इसके अलावा जो चैप्टर्स है वो आपका रहता है, किसी में पेपर कटिंग आ रहा है तो किसी में पेपर फोल्डिंग आ रहा है, किसी में मिरर इमेज आ रहा है तो किसी में वाटर इमेज आ रहा है ठीक है, वो आपका अलग अलग स्लॉट्स में बदलता रहता है, पर ये वाले चैप्टर्स जो है ये आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए आपके रीजनिंग के टॉपिक के ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, देखिए आप लोग जैसे कि पंजाब एग्जाम्स की जिस तरह से तैयारी करते हो ना, आसपास ही है एसएससी की तैयारी करना भी। एसएससी के लिए भी आपको क्या लेने हैं, सारे प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस पेपर्स उठा लीजिए, जैसे कि किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें सारे प्रीवियस पेपर होते हैं, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे प्रीवियस पेपर उठाइए और सारे के सारे सॉल्व करिए, क्योंकि एसएससी एग्जाम में आपके सवाल रिपीट होते हैं, तो अगर वो रिपीट होते हैं तो और आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रखे हैं तो पक्की बात है कोई ना कोई सवाल, मतलब आप जब पेपर करेंगे और सारे प्रीवियस पेपर वाली बुक आपकी सॉल्व है तो आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे किए हुए, चाहे रिपीट ना भी हो, रूल काफी आसपास होते हैं ठीक है। तो प्रीवियस पेपर सबसे जरूरी चीज है, उसके बाद मॉक टेस्ट, थोड़े से मॉक टेस्ट भी कर लिया करो, सिर्फ प्रीवियस पेपर करने से नहीं बात बनती, क्योंकि प्रीवियस पेपर जो है वो एक आइडिया देते हैं, मॉक टेस्ट जो है वो आपकी असेसमेंट करते हैं ठीक है। मॉक टेस्ट में भी कुछ प्रीवियस ईयर सवाल आ जाते हैं जो आपके, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ सवाल जो है बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वो मॉक में भी हम डाल देंगे, तो इस तरह से मॉक टेस्ट होता है कि एक्सपेक्टेड क्या है, कि क्या क्या आ सकता है, और प्रीवियस पेपर होता है जो आ रखा है, तो आपने प्रीवियस पेपर उठा के भी सॉल्व करने हैं ठीक है, और उसके साथ साथ आपने मॉक टेस्ट भी उठाना है, वो भी आप उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे ठीक है। ये सबसे जरूरी चीज है एसएससी की रीजनिंग की प्रिपरेशन की। और इसके बाद अगर आपको कोई बुक, देखो वैसे तो आर एस अग्रवाल एक आपकी बुक होती है ठीक है, बट अगर आपने प्रीवियस पेपर कर ली है तो फिर मुझे लगता है आपको बुक की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको बुक लेनी ही है तो आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर ठीक है, इससे ज्यादा बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आपको दे रही हूं, पर अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूं तो एसएससी में आप रीजनिंग को अगर एक बार अच्छे से आपने कर लिया है तो आपको उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप अपना बाकी जो पोर्शन है जैसे कि आपकी इंग्लिश अच्छी आती है एसएससी में, फिर आपका जो नेक्स्ट आपका जो जीके का पार्ट है उसमें काफी कुछ है पढ़ने को, तो आप उन पे ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हो, रीजनिंग पे थोड़ा सा कम टाइम भी दोगे तो चलेगा, बट ये नहीं कि आप छोड़ दो, है ना, एक होता है कि आप छोड़ ही रहे हो वो चीज नहीं चलेगी, सारा सिलेबस अच्छे से पूरा करिए, जो सब मैं आपको बता रही हूँ वो सब करिए, पर इससे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है रीजनिंग को, ज्यादा एफर्ट अगर आपको जरूरत है देने की तो आपको इंग्लिश और आपका जीके वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत होती है एसएससी के एग्जाम्स में। तो अगर आप पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी रीजनिंग आपके साथ साथ तैयार हो रही है ठीक है, अगर आप स्टेट मतलब पंजाब स्टेट के भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपका रीजनिंग जो है एसएससी वाली रीजनिंग जो है वो इसमें भी कवर हो जाती है ठीक है, सिलेबस सेम है, लेवल आसपास है ठीक है, वही टॉपिक्स हैं,
तो इसीलिए पंजाब और आपके एसएससी एग्जाम्स जो हैं आसपास रहते हैं, तो रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता दूसरे पेपर के लिए। तो ये सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रीजनिंग एक बार अच्छे से कर लो, फिर अपने मॉक टेस्ट जो करोगे उसी में आपकी रिविजन होती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से कौन सी बुक्स हमें उठानी है, क्या क्या सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है, वो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब आप अपनी एसएससी की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। थैंक यू सो मच।